वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोलेन। कैसे हैं सब लोग? सीधा सीधा चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ नो मेकअप मेकअप लुक। बिल्कुल सिंपल क्यूब है, आप ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मैंने मिक्स किया था, इसका मैंने क्यूब बनाया था जो मुझे सूट करती है। इसको हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है अभी, और मैं इसको अपने फेस पर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर लेती हूँ। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, सेंसिटिव स्किन वाले कॉटन के कपड़े में रैप करके इसको अप्लाई करेंगे। इससे आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे, जितने भी आपके ओपन पोर्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। और जब पोर्स क्लोज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बेस बहुत अच्छी लगेगी। दुआ करें मेरा फेस थोड़ा सा कम हो जाए। मैंने 7 kgs पुट ऑन किया है रमज़ान के बाद। जिम बंद है इस कोरोना की वजह से, और सारी रूटीन धर्म भरम हुई हुई है। कितने मंथ से मैंने सब कुछ इस तरह आपकी स्किन हो जाएगी तो इस पर आपकी बेस बहुत अच्छी लगेगी। आपकी स्किन टाइटन हो जाएगी और एक स्मूथ और स्वेट प्रूफ बेस। तो मेरे साथ आ रही है। तो मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, अब मैं लूँगी मारियो बेतेसिया का ये फेशियल स्प्रे। अगर आपको इसको बनाने का तरीका सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको सिखाऊंगी। और इसके अलावा जो मैंने आपको फेशियल में सिखाए हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, मेकअप के लिए तैयार हो जाए। ड्राई हो चुका है, अब मैं लूँगी वाटर बेस्ड सीरम, क्योंकि गर्मी के मौसम में वाटर बेस्ड सीरम ही जाता है। कि आपकी स्किन में ये अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। ये हो गया। अब हम कोई भी मॉइस्चराइज़र लेंगे जो आपको सूट करता है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा। मुझे आपने इसको अच्छे तरीके से अपने स्किन में जिन लोगों को डार्क सर्कल का इशू है, मुझे डार्क सर्कल्स हैं थोड़े बहुत हुए हैं आजकल। इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी एडिटिंग करती हूँ, दिन रात मोबाइल मेरे सामने रहता है, उसकी वजह से मुझे थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं। अदरवाइज़ मुझे डार्क सर्कल्स का कोई इशू नहीं है। तो ऑरेंज करेक्टर मैं प्रेफर नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा आपकी बेस को ऑरेंजी कर देता है। तो मैं हमेशा थोड़ा सा यानी कि अपने उससे अपनी फाउंडेशन से डार्कर शेड लूँगी। हमेशा डार्कर शेड लेना चाहिए अपनी अंडर आइज़ को, अपनी इम्परफेक्शंस को हाइड करने के लिए। मैं थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती इन चीज़ों को। जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ा इश्यूज है, ये देखें ये पिंपल्स के निशान दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ दिखेंगे वहाँ वहाँ मैं इसको लगा लूँगी। अदरवाइज लगता है कि ये प्रोडक्ट अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मुझे अपने हाथों से ब्लेंड करना ज़्यादा बेहतर लगता है। मैं अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, अपनी फिंगर्स का कितने हम अपनी आईलिड पे भी इसको फैला देंगे। लग गया, मुझे ऐसे फाउंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं अब इस पर आपको दिखाने के लिए मैं फाउंडेशन लगा लूँगी, लेकिन ये कंसीलर से ही मेरा मेकअप हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मेबलिन की फिट मी 110 मेरा नंबर है, और मैं इसको इसी तरह लगाऊंगी। मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक नेचुरल लुक चाहिए, और इस तरह मुझे ऐसे लगता है नो मेकअप मेकअप लुक में आप अपने हाथों का
ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी बेस लग सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि जो सब लोग यूज़ कर रहे हैं टेक्निक, बस आपने भी वही करना है। लोग ब्रश कर रहे हैं तो आपने भी ब्रश लेके आपने बफिंग स्टार्ट कर देनी है, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से आपने ये सब कुछ करना। एक स्पूली से अपनी आईब्रोज ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे। मुझे वैसे इतनी अच्छा यहाँ से आपने स्टार्ट करनी है। मुझे जस्ट मैंने फिलअप करना, मुझे ज़्यादा इसको हार्श लुक नहीं देनी है, बिल्कुल जस्ट नेचुरल, क्योंकि आपको इनोसेंट भी तो दिखना होता है। जो लोग इसको इतना ज़्यादा बना लेते हैं उनकी बहुत ज़्यादा शार्प लुक आती है। मेरी आईब्रोज डन हो चुकी हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हार्श लुक नहीं चाहिए। एक नेचुरल नो मेकअप मेकअप लुक तो बिल्कुल नेचुरल लुक होती है ना अपने फेस पे, जस्ट ये क्रीज ना करे। अपनी बेस को भी तो सेट करना ना। एक्चुअली मुझे पाउडर पसंद नहीं है, लेकिन अपनी बेस को सेट करने के लिए आपको पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी इस गर्मी के मौसम में। मैं लिपस्टिक लूँगी और इसी को मैं चीक्स पे लगाऊंगी जैसे हम पहले करते थे। ओके, मुझे इतना ग्लो चाहिए। मुझे बिल्कुल ऐसा नेचुरल अपने फेस पे एक टिंट चाहिए कि मैं नेचुरल पिंक पिंक दिखूं। बहुत ज़्यादा एक लिपस्टिक से आपका बहुत अच्छा पिंकी ग्लो आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप एक ब्लश लें, ब्लश यानी कि लिक्विड ब्लश जो अक्सर लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, या टिंट लें। ये लिपस्टिक, पिंक कलर की लिपस्टिक आप अपने चीक्स पे लगा सकते हैं। फ़ायदा उठाएं, हर चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वो लोग दिखा रहे हैं आप बिल्कुल उस तरह उनको फॉलो करें। आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ जेल आईलाइनर ले रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल अपनी अपर लैश लाइन पर लगाऊंगी। ये दोनों आंखों में डिफरेंस दिख रहा है आपको कि ये एक, क्योंकि मेरी हुडेड आइज हैं, हुडेड आइज के लिए ऐसा भर भर के लाइनर लगाना और जिनकी भी हुडेड आइज हैं तो वो इस तरह लाइनर लगा सकते, मस्कारा की तरफ आप मस्कारा भर भर के लगा सकते हैं। एक्चुअली मैं मोबाइल में देख के ही अपना मेकअप कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपनी लोअर लैश लाइन पर मस्कारा पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। बाहर क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो गया है और हमारी स्ट्रीट में सब बाहर निकल आए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, तंग हो जाते हैं, इसलिए बड़े भी निकल आते हैं। बताना चाहूँगी कि मॉइस्चराइज करने के बाद मैंने सनस्क्रीन लगाया था, लॉरियल का ये सनस्क्रीन। वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मुझे स्किप हो गई, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने ये सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डे टाइम में भी आप लगाएं, डे टाइम में तो ऑब्वियसली लगाएंगे मतलब घर में भी लगाएं इसको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाहर जाएं तब तो मस्ट लगाएं, लेकिन घर में भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूवी रेज आपकी स्किन को अफेक्ट कर सकती हैं, तो ये क्योंकि ये नो मेकअप मेकअप लुक है, इसलिए मुझे बिल्कुल लाइट सा पिंकिश
पिंकिश सा शेड चाहिए अपने लिप्स पर। यह मैं अपने फिंगर के साथ इसको स्प्रेड कर दूंगी, क्योंकि मुझे प्रॉपर लाइन अप नहीं करना अपने लिप्स को। अब मैं ये टिंट ले रही हूँ, इसको मैं, क्योंकि मुझे बेबी लुक चाहिए, नेचुरल। तो ये रहा आज का नो मेकअप मेकअप लुक। मुझे इसी तरह का एक नेचुरल मेकअप पसंद है। मैंने कोई हाइलाइटर नहीं लगाया, क्योंकि डे टाइम में एक नेचुरल लुक में हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा हमने स्किन को इतने अच्छे तरीके से प्रेप कर लिया है कि आपकी एक नेचुरल ग्लो दिखेगी। ठीक है, तो ऐसे झाड़ जैसे बाल बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अच्छे से स्ट्रेटनर कर लें और मतलब एक अच्छे सा बन बना लें, हेयर डू बना लें। मैं तो मलंग बंदी हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। मुझे एक्चुअली मेरे बाल काफ़ी थिन हो चुके हैं, और क्योंकि मेरा डाई बहुत टाइम रहा था, तो उसके बाद मेरे बाल डैमेज होना स्टार्ट हुए। और उसके बाद मैंने बालों पर स्ट्रेटनर करना, यूनिवर्सिटी डेज में मैंने दिन रात स्ट्रेटनर मारा है इस पर, तो इसलिए अब मैं मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहती। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर नहीं, लाइक करना तो बनता है। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्या जाता है, कुछ चला जाता है नहीं ना, तो ठीक है, तो चलते हैं हम।